हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। योर बॉय इज बैक विद अनदर व्लॉग। एबटाबाद से वापसी आ गए हैं यार। तो अभी सीन ऐसा है कि हादसे ही गाड़ी ख़राब हो गई, उसको टो करने जाना है। मेन जो चीज़ है वो ये है कि रस्सी नहीं मिल रही टो करने के लिए। वी आर थिंकिंग के यार ये जने ने जो 250 तोले की पहनी है इसे, ये 50 तोला इससे कह रहा हूँ टो कर लेते हैं। असली है, असली है, असली इसे टो करके देखते हैं। कल धुली है गाड़ी भाई, और इसका जो है ना, आज ये देख पीछे कौन क्या, ये देखो हाल देखो पीछे क्या, ये इधर 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 इधर, नहीं नहीं छोड़, WD फार्मूला बन गया पीछे। जी भैया, अपडेट ये है कि रस्सी मिल गई है एंड वी आर गोइंग। रस्सी सही मामला कर, भैया गाड़ी ले आए हैं और वर्कशॉप छोड़ दिया यार, जैन आ रही सुधर ही। तो घर के भी थोड़े बहुत काम कर लेने चाहिए, जैसे कि पानी लाने वाला था यार। भैया इसकी फिल्म ये है कि इसको हम सिर्फ यहाँ तक भर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि फटी हुई है, पानी सारा लीक हो जाएगा। जानी जी, तो आज का मेन इवेंट क्या है? मेन इवेंट जानी ये है कि आज है इमरान खान साहब का जलसा, रैली शैली जो भी है तो वो अटेंड करेंगे। अगर आप ये पूछेंगे जी पर्सनली मैं किस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मैं जानी किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। सही है, कोई लीडर जो भी है, पीपल्स पार्टी है या PTI है, नून लीग है, आपका ओपिनियन आई रिस्पेक्ट दैट, ये सीन। और अगर आप ये कह रहे हैं कि जी सपोर्ट नहीं करता तो जलसे पे क्यों जा रहे हैं? तो जानी शुगर मिला यार, शुगर मिला तो वाह भी वाह ही होता है यार, सपोर्टर्स बहुत हैं। मेरे सारे संगी जा रहे हैं यार, सारे PTI वाले हैं, तो यस वी आर गोइंग विद देम। अच्छा, ओ इमली आलू बुखारा, ओके आई एम कमिंग ब्रो, आई एम कमिंग। इस्लामाबाद का भैया अनएक्सपेक्टेड मौसम, और साथ जी सेक्टर का बेहतरीन दी वन एंड ओनली आलू बुखारे का शरबत, हादसे की ट्रीट। ये मिलेगा हर जगह से, लेकिन जो बेहतरीन है ना वो इधर से मिलता है, एक जगह है वो हमें पता है, तो विल टेल यू, वीडियो बनाएंगे इस पर। जी भैया, अभी ऐसे है कि माहौल स्टार्ट हो गया, जलसा स्टार्ट हो गया और हम जा रहे हैं। देखें आप, कैमरा हमारे साथ है, देखें आप। एक मौलाना रूमी की सेंग है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पा लिए क्यों चूकियों में तारी गए हो, खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान का सोचो, आपका मुल्क नीचे जा रहा है। इब्ने खालदून ने कहा, और नौजवानों ये आपके लिए मैं कह रहा हूं, मुझे उन लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जो देखते हैं कि माशरे में जुल्म हो रहा है लेकिन कुछ नहीं करते। मुसलमान 1000 साल तक दुनिया की सुपर पावर बने रहे, क्योंकि दुनिया के अजीम लीडर अल्लाह के हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में एक अदल और इंसाफ का कानून लेके आए। एक कौम ऊपर जाती है जब उस कौम में इंसाफ होता है, और दूसरी चीज एक कौम को जो चीज ऊपर लेके जाती है उसे कहते हैं अखलाकियात, मतलब कि कौम में अच्छे और बुरे की तमीज होती है। जब मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि कौम कैसे मरती है, मौलाना रूमी ने कहा जब वो कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है कौम मर जाती है। और जो अब मेरी ख्वाब है वो पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान वो रियासत बने जो इसको बनना चाहिए था, ये ख्वाब है। लेकिन अल्लाह ने सारी मेरी ख्वाबें आज तक पूरी की, और इंशाल्लाह ये भी करेगा, लेकिन ये ख्वाब तब पूरी होगी जब आप पाकिस्तानी कौम मेरे साथ होगी।
किसी ने मेरे से पूछा कि इमरान खान तुम्हें अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी है, क्या समझते हो कि सबसे ज्यादा तुम्हारी कामयाबी क्या है? सबसे बड़ी कामयाबी क्या है कि मैंने पाकिस्तानी कौम को शऊर दिया, सोच दी, हौसला दिया कि अपने हकूक के लिए खड़े हो, कि मैंने कौम को एक आजाद कौम बनाने की कोशिश की। और भैया इसी के साथ हमारा दिन होता है समाप्त, फिर मिलेंगे चलते चलते, टेक केयर एंड पीस आउट। क्योंकि आप भी पीस आउट कर।